हाँ चलो ओके तैयार हो अब जैसे कि आप सभी जानते हो हमारे यहाँ पर एवरी सैटरडे टाइमिंग होता है और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो गर्ल्स एंड बॉयज ये वो जुनूनी बच्चे हैं जिन्होंने अग्निपथ जो स्कीम आई है उसके थ्रू अग्निपथ पे ये बनने के लिए तैयार है अग्निवीर। ओके अग्निवीर बनने के लिए तैयार हो जो सही है बनने के लिए तैयार हो। ओके तो जैसे कि आपने देखा कि ये पीछे ये हैं अग्निवीर जो कि अग्निवीर बनने के लिए तैयार है और इन्होंने 1600 मीटर आज यहाँ पर टाइमिंग दी है। जो 1600 मीटर टाइमिंग दी है उसके अंदर तीसरा स्थान आज हासिल किया है हेमंत सिंह। जोरदार तालियां हेमंत सिंह के लिए। बहुत बढ़िया हेमंत। कितना टाइम था आपका? 5:47 लेकर के आज अपने इस ग्राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कितना टाइम हो गया आपका? दो महीने तैयारी करते हुए आपको यहाँ पर जब आप आए थे तो क्या स्टैंडर्ड था? 8 मिनट था और आज 5:47 बहुत ही शानदार। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और बीम कितना लगाए? 10 बीम लगाए। तो अभी अग्निवीर बनने के लिए तैयार हो? यस सर। ओके तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 साल के मैं क्यों जाऊं इस तरह से? कैसे वही जो जुनून कैसे आप? नहीं सर जाऊंगा वही जो जुनून के साथ वापस। अरे वर्दी का जुनून है कि वर्दी पहननी है चाहे एक ही दिन क्यों ना पहननी पड़े लेकिन वर्दी पहननी है। जहाँ दोस्तों देखा कि आपने देखा हेमंत सिंह है इनका कहना है कि देश के लिए वर्दी पहनना है और वो वर्दी चाहे 4 साल हो 4 दिन हो चाहे 1 दिन के लिए भी क्यों ना मिले लेकिन वो वर्दी लेकर रहेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है साथ आज दूसरा स्थान हासिल किया है अजय चौधरी। जोरदार तालियां अजय चौधरी के लिए। कितना टाइम था? 5:12 लेकर के अपने इस ग्राउंड के अंदर आज दूसरा स्थान हासिल किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और बीम कितने लगाए? 10 बीम लगाए थे। किसकी तैयारी कर रही? आर्मी जीडी अग्निवीर बनने के लिए तैयार हो? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है वही जो जुनून है वही है सर। कैसे सर? अब 16 साल हुए 4 साल और जिंदगी के नाम है। अच्छा देश के नाम कर दिए इन्होंने जिंदगी अपनी चाहे वो 16 साल के लिए हो चाहे 4 साल के लिए हो चाहे 4 दिन के लिए हो इन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। बहुत बढ़िया वेल डन कैप्टन पुरुषवर। इसी के साथ आज का हीरो ऑफ द डे का खिताब है उसके नाम जिसने हर बार यहाँ इस ग्राउंड के अंदर हैट्रिक पे हैट्रिक लगाता आ रहा है और इसका नंबर काटने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है। अगर है आप में अगर जोश या अगर आप सोचते हो कि इसको मैं काट सकता हूँ तो आप आ सकते हो यहाँ ग्राउंड में और आकर इससे कम्पीट कर सकते हो। वो है अंकित गुलेरी। जोरदार तालियां अंकित गुलेरी के लिए। बहुत बढ़िया अंकित। कितना टाइम था? 5:10 5:10 लेकर के आज अपने इस ग्राउंड के अंदर आज का हीरो ऑफ द डे का खिताब लिया अंकित कुलहरी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बीम कितने लगाए? 9 बीम लगाए। किसकी तैयारी? आर्मी जीडी मतलब आर्मी जीडी अभी कन्वर्ट हो गया है अग्निवीर बन गया है। तो कैसा लग रहा है अग्निवीर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। कुछ उत्साह पूरा वही जोश जुनून उत्साह है? एक बार कम हुआ था लेकिन वापिस वही दोस्त जुनून है। अब वही है मतलब 4 साल के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं लग रहा यार क्यों 4 साल के बाद क्या करूंगा ऐसा? नहीं सर बस देश की सेवा करनी है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा कि अभी अंकित का कहना है कि देश सेवा करना है और देश सेवा से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। तो ये जो अग्निवीर बनने के लिए तैयार है और आज वैसे ही जो पहले भी इनका जोश था वही आज इनके अंदर जोश दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। तो अभी जो और भी बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं जो कंफ्यूजन है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? उनको मैसेज देना चाहता हूँ कंफ्यूज ना हो 4 साल हो चाहे 15 साल हो बराबर बात है कोई दिक्कत नहीं है वर्दी तो पहनी है वर्दी के लिए आए हम। बहुत बढ़िया। बहुत शाबाश दोस्तों। जो आर्मी के लिए जुनून है और आर्मी की जो वर्दी पहनने के लिए जिन बच्चों ने सपना देखा था इनका कहना है कि चाहे 4 दिन की हो चाहे 4 साल की हो चाहे 15 साल की हो हमें देश के लिए अपनी जिंदगी अपनी जान अपना जीवन देश के नाम कर दिया है और हमें सिर्फ वर्दी चाहिए। तो मैं इनके जज्बे और जोश को सैल्यूट करता हूँ। साथ ही अभी हमारी जो बेटियां हैं वो भी कम नहीं है और इन्होंने भी जो 1600 मीटर का टाइमिंग दिया था उस टाइमिंग के अंदर आज तीसरा स्थान हासिल किया है अनामिका। जोरदार तालियां अनामिका के लिए।
बहुत बढ़िया नंबर। कितना टाइम था? 8:38 लेकर के आज आपने इस ग्राउंड में 1600 मीटर का टाइमिंग दिया है। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना भी नहीं हुआ। जब आप यहाँ आए थे तब टाइमिंग दिया था आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम है। आज फर्स्ट टाइम है और 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और 8:38 दिया आपने। किसकी तैयारी कर रहे हैं? SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ से? यूपी से। वो यूपी से इतनी दूर चल कर के आए हो, कैसे? बस सर, जॉब लगनी है, जुनून है, कहीं भी जा सकते हैं बस। तो कैसी तैयारियां हो रही है यहाँ पर? अच्छी हो रही है। आप हॉस्टल में रहते हो? यस सर। तो गर्ल्स हॉस्टल कैसा है? गर्ल्स हॉस्टल बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। कल जाए कुछ शाबाश। और इसी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है मुस्कान। जोरदार तालियां मुस्कान के लिए। सात मिनट 32 सेकंड लेकर के आज दूसरा स्थान हासिल किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे? 3.5 महीने हो गए। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? आर्मी जीडी। तो अब अग्निवीर बन गया है आर्मी जी नहीं? तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये चेंज हुआ है, जो ये स्कीम लॉन्च हुई है, इससे कैसा लग रहा है? कुछ पहले थोड़ा डिमोटिवेट थे, क्या आपने समझाया, पापा ने मोटिवेट किया, अब अच्छा लग रहा है, अब अग्निवीर बनने के लिए तैयार हो। बहुत बढ़िया। तो आपने 3.5 महीने पहले जब आप यहाँ आए थे तो क्या स्टैंडर्ड था आपका? 0 था, ना रनिंग हुई थी ना कुछ हो रहा था। अब तो 7:38 जो गर्ल्स के लिए बहुत ही शानदार टाइमिंग है, यहाँ तक कैसे पहुँचे? डेली प्रैक्टिस से और आपकी गाइडेंस से। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ आज का हमारी बेटियों की तरफ से हीरो ऑफ द डे है अंजलि राव। जोरदार ताली अंजलि राव के लिए। बहुत बढ़िया। कितना टाइम था आपका? 7:15 के लिए। 7:15 एक बेहतरीन टाइम, एक बहुत ही शानदार टाइम। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 7:15 जो है वो बहुत ही अच्छा टाइमिंग है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना वक्त लगा और क्या क्या परेशानी आई? साल भर हो गया आपको तैयारी करते हुए। तो 7:15 जब आप यहाँ आए थे तो क्या स्टैंडर्ड था? 9:55 से 7:15 पे किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो स्कीम लॉन्च हुई है उससे आपके मोटिवेशन पे कोई फर्क पड़ा? 25% तो 4 साल के बाद भी रखेंगे परफॉर्मेंस बेसिस पे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जवाब दिया। 25% तो वहाँ रोकेंगे ही ना, 25% में तो हम है ही है। बहुत ही शानदार। 25% को तो परमानेंट कर रहे हैं। अगर आपको परमानेंट होना है तो 25% में अपनी जगह बनाइए। बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब आपने पहले से सोच रखा है 25% में हूँ मैं तो। तो कहाँ से आप? रेवाड़ी हरियाणा से है। गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हैं आप, काफी समय से रह रहे हैं, कैसा है? बहुत अच्छा। कैसी तैयारियां होती है? सेटिस्फाई हुआ आप? तो आपके एरिया के आसपास के जो बच्चियां हैं जो तैयारियां करना चाहती हैं उन्हें क्या मैसेज देना? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, अब तो टाइम भी कम है, तो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ आए। यही क्यों आए? क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस के सेपरेट अलग अलग बैचेज हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज के अलग अलग हॉस्टल्स हैं। अगर है आप में जिद, जोश, जुनून कुछ कर गुजरने का, अगर चाहते हो अपने सपनों को पंख लगाने की है अगर आप में जिद, तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और एयरफोर्स के फॉर्म चालू हो चुके हैं और अभी आर्मी और नेवी के भी फॉर्म चालू हो जाएंगे। साथ ही अब की बार गर्ल्स को भी मौका दिया है नेवी के अंदर। तो टाइम ज्यादा नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं है। अगर अभी आप बिगनर हैं, आपने कभी दौड़ नहीं की या पिछले 2 साल 1.5 साल से आपने रनिंग नहीं की है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां आकर के बहुत ही कम समय में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हो कि कम समय के अंदर अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, तो इसके लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो सभी फिट हो, यस सर, खुश हो, यस सर।
जोश नहीं है, खुश हो? यस सर। किसी को चोट? नो सर। ऑल टू जोश? यस सर। ऑल टू जोश? यस सर। ऑल टू जोश? यस सर। लाफिंग रियो, हा हा रियो, हा हा रियो, अगो ब्रेक ऑफ।